फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। सोते हुए बच्चे को हम लोग फीडिंग के लिए कैसे उठा सकते हैं, या सोए हुए बच्चे को हम लोग खाना खाने के लिए कैसे उठा सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स के दिल में आता है। तो आज के पर्टिकुलर मेरे सेगमेंट में, मेरा बेड टाइम सेगमेंट में, हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली बच्चे को हम लोग उठाते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लीजिए, बच्चे इतना ज़्यादा सोते क्यों है। बच्चों को अब तक डे एंड नाइट साइकिल का कोई अता पता नहीं है। जैसे आप US को चले गए, आपको जेट लैग होता है। हाँ जी श्रेया, सोने के टाइम पे नींद आती है, नींद के टाइम पे जगना होता है, काम होता है, एंड वी टेक फ्यू डेज टू एडजस्ट। कितना टाइम लगता है डिपेंड्स। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों को कुछ हफ्ते लग जाते हैं। बच्चों के केस में आइडियली कहा जाता है उनको 3 हफ्ते से लेके 6-7 हफ्ते तक लग सकता है अपने रूटीन को एडजस्ट होने के लिए। उनका डे नाइट रूटीन एडजस्ट करने के लिए आप लोग क्या क्या ट्रिक्स कर सकते हो, उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं। बट आप लोग को रियलाइज़ होगा कि श्रेया, दिन के समय मैं उठा उठा के बच्चे को फीड करा रही हूँ, या रात के भी समय, डिपेंड्स। हर बच्चा किसी एक समय बहुत अच्छे से सोता है और किसी एक समय बार बार दूध मांगता है। तो अभी के लिए अज्यूम करता है कि मेरा बच्चा दिन में श्रेया सोता ही रहता है, उसको उठा के पिलाना मतलब एक टास्क है, और रात के समय मेरा बच्चा सिर्फ दूध ही मांगता है, बार बार दूध मांगता है। सो दिन के समय मैं बच्चे को फीड के लिए उठा रही हूँ, और रात के समय बच्चा मुझे उठा उठा के फीड ले रहा है। सो कुछ कर सकते हैं क्या कि जिससे ये सब चीज़ें बैलेंस हो जाती है। अभी जानते हैं वो कुछ बेसिक चीज़ें। अभी सोचो आप रात में सोए हुए हो, मैं सोई हुई हूँ, रात के 3 बजे हुए, ब्लैंकेट लिया हुआ है और मैं सोई हुई, और आपने उठाया, उठ जा श्रेया, उठा, क्या खाना खाने का टाइम हो गया, मुझे खाना नहीं खाना, और मैं ब्लैंकेट लेके वापस सो जाऊंगी। सो जाऊंगी कि नहीं? एग्जैक्टली, दिन हो चाहे रात हो, बिकॉज बच्चे को दिन रात का तो सेंस ही नहीं है। अगर आप बच्चे को उठाते हो नींद के बीच में, ये बच्चे के लिए ऐसे हो जाता है कि ये लेडी क्यों मुझे बीच रात में उठा रही है खाना खाने के लिए। तो एग्जैक्टली हमको जैसे फीलिंग होता है वैसे ही उन्हीं को हो रहा है, बट हम लोग उनके सोने की वजह से कोई भी फीड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बिकॉज स्पेशली इनिशियल डेज में, पहले 2 महीने में अगर फीड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उनका वेट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों को उठा के पिलाना इज़ इम्पॉर्टेंट। शायद कितनी देर सोने दे सकते हैं हम लोग बच्चों को, मैं बहुत इनिशियल डेज की बात कर रही हूँ, से 6 हफ्ते से लेके 7 हफ्ते के बीच में। बच्चा 24 घंटे में एक बार 5 घंटे तक सो सकता है, और बाकी समय मिनिमम गैप 45 मिनट्स, मैक्सिमम गैप 3 घंटे का हो सकता है। बट हम लोग को इंश्योर करना है कि 24 घंटे में 8 फीडिंग सेशन होने चाहिए, 6 से ज़्यादा बार सूसू होना चाहिए। तो ये हम लोग को बताता है कि बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं है और बच्चे को खाना पीना अच्छे से मिल रहा है। चलिए अब जाते हैं एक्चुअल जवाब, सोते हुए बच्चे को उठा के दूध कैसे पिलाते हैं। पहली बात, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट स्ट्राइक पे है, दूध ही नहीं पी रहा है, तो फिर आप आधे जगे हुए बच्चे को फीड कराने के बारे में सोच सकते हो, जिसको ड्रीम फीडिंग बोलते हैं, जिसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी करेंगे। बट अभी के लिए सपोजली ये आपका बच्चा है, एकदम कोजीली ये बच्चा सोया हुआ है, और बच्चा किसी ब्लैंकेट में रैप किया हुआ है। अभी याद रखो, रैपिंग ये बच्चे को कोजीनेस देता है, कामनेस देता है। तो अगर आपको बच्चे को उठाना है तो सबसे पहला चीज़ जो आप लोग करोगे, बच्चे को अनरैप करना है। अनरैप कर दोगे बच्चे को तो वो थोड़ा सा कोजीनेस, उस कंफर्ट से बाहर आ जाता है। उसके बाद बेसिकली आपको बच्चे को, ज़्यादा वर्ड दिल पे मत लेना, बट सच्चाई है कि प्यार से बच्चे को इरिटेट करना है। इरिटेट करना है मतलब, और प्यार से मतलब बच्चे को तकलीफ हो ऐसा कुछ नहीं करना है, बट धीरे 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 बच्चे को सिग्नल देना है, जा दूध पीने का टाइम हो गया, उठ जा दूध पीने का टाइम हो गया। तो पहला ट्रिक था कि बच्चे को आप लोग अनरैप कर दो। दूसरा ट्रिक एक बहुत अच्छा ट्रिक है, विच इज़ कॉल्ड रॉक एंड रोल एक्टिविटी। तो आप लोग बच्चे का बैसिनेट, कैरियर, हुपा, जिस किसी चीज़ में बच्चा है उसमें बच्चे को ले सकते हो। बच्चे की उंगलियाँ कान के पास रख सकते हो, बच्चे को आप चाहिए तो हाथ को बहुत फर्मली पकड़ सकते हो, बच्चे के नेक को आप लास्ट फिंगर से सपोर्ट कर रहे हो, और ये उंगलियां गुदगुदा के, हेलो हेलो, उठ जाओ
उठ जा, उठ गए। सो दिस इज कॉल्ड रॉक एंड रोल एक्टिविटी। तो ये रॉक एंड रोल से बच्चे बहुत अच्छे से उठ जाते हैं। दूसरा चीज़ जो आप लोग ट्राई कर सकते हो, टिकलिंग, कान के पास का, कान के पीछे का टिकली, इससे बच्चे कई बार बहुत अच्छे से पीते हैं। दूसरा एक एरिया है बच्चे के पाँव का टिकली, ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है। अगर आपने बच्चे को कोई फुल साइज़ रोमपर या ऐसा कोई चीज़ पहना है जो बच्चे को कोजी करता है, तो आप लोग उसमें से भी बच्चे को निकाल सकते हो। तीसरा चीज़, बच्चे को चेस्ट पे लेना। बाय द वे, हम लोग कई बार बच्चों को काम डाउन करने के लिए बोलते हैं, बच्चों को चेस्ट पे लेना है, बट अभी के लिए काम डाउन के लिए नहीं है, उठाने के लिए है। तो उठाने के लिए यहाँ पे टिकली, तो आप लोग बच्चे को बहुत सारे टिकलिंग कर सकते हो, इस एरिया में मसाज कर सकते हो। येलो स्माइली बॉल जो होता है उससे इस एरिया में मसाज कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारा टिकलिंग 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 बच्चे को कर सकते हो। जैसे ही आपको रियलाइज होता है शायद बच्चा मुंह खोल के फीडिंग के क्यूज दे रहा है, वैसे ही बच्चे को फीडिंग के लिए ले लो, तो ये भी ट्रिक आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। देन नेक्स्ट ट्रिक आप लोग यूज़ कर सकते हो इस हॉट वाटर स्पंजिंग। आप हॉट वाटर से बच्चे को पूरे बॉडी पे स्पंजिंग कर दो, उससे भी बच्चा उठने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। फिर तीसरा चीज़ जो आप लोग ट्राई कर सकते हो इस प्लेइंग अ गुड म्यूज़िक। सो यूजुअली हम लोग बोलते हैं सूदिंग वाला जो म्यूज़िक होता है वो बच्चे को सुलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और थोड़ा सा पॉपी म्यूज़िक जो होता है, आई एम नॉट टेलिंग अ लाउड वेरी हाई बीट म्यूज़िक, दैट्स अ टू मच स्टिमुलेशन फॉर चाइल्ड, बट थोड़ा सा जो पॉपी म्यूज़िक होता है, थोड़ा सा जो फास्ट म्यूज़िक होता है, उससे भी आप बच्चे को उठाने के लिए हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। यूजुअली हम लोग बोलते हैं डे टाइम पे अगर बच्चा सो रहा है तो लाइट्स चालू रखो, पर्दे खुले रखो, आसपास आवाज़ रखो बच्चे के, तो धीरे धीरे बच्चे का जो दिन का स्लीप होता है वो थोड़ा अलर्ट स्लीप में कन्वर्ट हो जाता है। रात के समय लाइट्स को डिम रखो, पर्दे लगा के रखो, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देन हम लोग नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं, बच्चे को उठाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक है जो मैं बहुत सारे बच्चों के साथ यूज़ कर चुकी हूँ, स्पेशली हॉस्पिटल सेटअप में जहाँ पे हम लोग बहुत ही न्यू बॉर्न बच्चों के साथ डील करते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, एंड वी कैन नॉट अलाउ देम टू बी विदाउट फीड स्पेशली लॉन्गर समय के लिए। तो फिर ये अभी के लिए समझ लो बच्चा बेड पे या गद्दी के ऊपर है। बच्चे का रैपर या कोई भी फर्म टॉवेल आप लोग यूज़ कर सकते हो। याद रखो मैंने बच्चे के शोल्डर्स पूरी तरह से कवर करके लिए हुए हैं और बच्चे का सिर ज़मीन पे से नहीं उठना चाहिए। एंड यू जस्ट रॉक योर चाइल्ड विद दिस क्लॉथ, रॉक 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 रॉक, हाली लो बच्चे उठ जो उठ जो उठ जो उठ जो, एंड अगेन होल्ड इट एंड रॉक रॉक। द रूल इज सिर नहीं उठना चाहिए एंड यू डू दिस जेंटल रॉकिंग मोशन। इससे बच्चा कई बार बहुत जल्दी उठ लेता है। सो ये बेसिकली हो गया बच्चे का स्लीपिंग रॉकिंग मोमेंट। तो ये सब चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो। श्रेया, ये सब करके भी मेरा बच्चा नहीं उठ रहा है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? याद रखो फीडिंग अगर स्किप हो जाता है या फीडिंग सेशन अगर स्किप हो जाता है तो बच्चे की ग्रोथ पे, वेट पे, स्पेशली इनिशियल डेज में, और मिल्क सप्लाई को भी अफेक्ट करेगा। तो अगर बच्चा नहीं उठ रहा है तो फिर आप लोग हैंड एक्सप्रेस कर दो और बच्चे के लिए दूध छोटे से कप में निकाल दो, फीडिंग कप में निकाल दो, फीडिंग सिरिंज में निकाल दो, चम्मच में निकाल दो, और फिर बच्चे को आप लोगों दूध पिलाओ। बट याद रखो बच्चे को दूध बॉटल से तो नहीं पिलाना है और बच्चे को दूध डायरेक्टली भी नहीं पिलाना। आइडियली हम लोग बोलते हैं कि आपका ये फिंगर या ये फिंगर बच्चे के मुंह में दो और ये जो साइड का हिस्सा है, सो अगर आप लोग ये देते हो और ये जो साइड का हिस्सा है वहाँ पे आप लोग फीडिंग सिरिंज से ड्रॉप बाय ड्रॉप दूध डाल सकते हो, और ऐसा उंगली रखो ताकि बच्चा सक करे, फिर यहाँ से कुछ ड्रॉप्स दूध और वापस, ताकि वो जो सकिंग का रिफ्लेक्स है बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिना सक के भी मुझे दूध मिल रहा है। ये सारे ट्रिक्स करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं उठता तो फिर फीडिंग सेशन बिना स्किप किए दूध निकाल दो, बच्चे को पिला दो, आपका भी काम हो जाएगा, बच्चे का न्यूट्रिशन भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और धीरे धीरे हम लोग ये ट्रिक कर करके बच्चे को सिखाई दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ यूज़ स्नैपचैट। स्नैपचैट इज़ NAPCHAAT। ये एक मैजिकल ट्रिक है जो आपको हेल्प करेगा बच्चे का एक रूटीन सेट करने के लिए, दिन का, रात का, सोने का, जगने का, खेलने का,
एंड इट विल रियली रियली हेल्प यू ऑल आउट. स्नैपचैट बेसिकली बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग करता है, तो ट्राई करो और बच्चे को जगा रखो. सोना और खाना, इन दो चीज़ों में से अगर बच्चे को कोई एक चीज़ सिलेक्ट करना है, तो आपको पता है बच्चा क्या सिलेक्ट करता है? सोना. खाना सिलेक्ट नहीं करता है. ये अपने लिए काफ़ी स्ट्रेस वाला मैटर हो जाता है, बट वी हैव टू डू. अल्टीमेटली हम लोग को सीखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को उठाते कैसे. तो ये सारे ट्रिक्स यूज़ करो और हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपका बच्चा कौन से ट्रिक से उठा और एग्जैक्टली कौन सा चीज़ काम किया. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. अगर आपको मुझसे ब्रेस्ट फीडिंग सीखना है, तो वी आर लॉन्चिंग अ प्री रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ सेशंस ऑन 11/11/21, जो आपके लिए अवेलेबल रहेगा ऑन www.madhuja.com. डू विजिट अस. अगर आपको मुझसे लाइव ट्रेन होना है, तो हमारे अपकमिंग सेशंस भी चल रहे हैं, लाइव ऑनलाइन सेशंस. आप उसको दुनिया भर में कहीं से भी अटेंड कर सकते हो. अगेन फॉर दोज विजिट अस ऑन www.madhuja.com. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.